नमस्कार सत्येंद्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर गोंडवाना समग्र क्रांति मूल निवासी आंदोलन के तत्वाधान में बिरसा मुंडा की जयंती दिनांक 15 नवंबर को पसैया डगमगपुर स्थित राम भजन गोंड के निवास पर भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिवशंकर धुरवा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने मौत को गले लगा लिया पर गुलामी पसंद नहीं की। आज हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर करने कर समृद्ध झारखंड बनाने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामजीत नेता महेंद्र सिंह गौड़, राजन वर्मा, राहुल गौड़, महेंद्र कुमार गौड़, घनश्याम गौड़ आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किया। सत्येंद्रा न्यूज मिर्जापुर से गणेश कुमार भारती की रिपोर्ट। धन्यवाद। जागृति करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज आज इतना स्वार्थी और इतना लालची हो चुका है कि अगर इसको कुत्ते की तरह रोटी फेंक दो तो उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसको इतना पता ही नहीं है, मतलब कुत्ते की तरह तुम भगा के भागेगा कि उसको रोटी मिल जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि रोटी कहाँ से आती है, उस रोटी कहाँ से पैदा होती है, उस पर कब्जा करें, लेकिन वो टुकड़े के लिए भाग रहा है। तो आज हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग केवल प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये निश्चित है कि वह प्रमाण पत्र लेने वाला व्यक्ति गुण नहीं हो सकता, प्रमाण पत्र के लिए लड़ने वाला व्यक्ति। जैसे जिस प्रकार से खेत हमारा हो और हम लड़ाई फसल के लिए लड़े, तो बताइए हम गलत हैं को अधिकार जमीन हमारा जोतने वाला गलत है। हमको तो जमीन के लिए लड़ना चाहिए कि हमारी जमीन पर फसल बोई गई है, लेकिन आज हम फसल के लिए लड़ रहे हैं कि हमको पकी पकान फसल मिल जाएगी। अरे एक बार झगड़ा करके ले लेंगे, दो बार ले लेंगे, लेकिन जमीन तो दूसरे की ही रहेगी।